नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विश्व युद्ध की आशंका, पुतिन ने रूसियों को तत्काल स्वदेश बुलाया। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आशंका है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रूस ने उच्च अधिकारियों, राजनेताओं और उनके परिवार को वापस अपने देश लौटने का अनुरोध किया है। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना की ओर से की जा रही तैयारी कुछ खास संकेत भी दे रही है। इन दोनों के बीच बढ़ रहे तनाव को विश्व युद्ध में तब्दील होने की संभावना भी जताई जा रही है। मुस्लिम संगठन समान नागरिक संहिता के खिलाफ विधि आयोग को नहीं देंगे जवाब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 9 संगठनों ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए शरिया कानूनों को ही जारी रखने की वकालत की है। संगठनों का कहना है कि वे इस संबंध में विधि आयोग की प्रश्नावली का जवाब नहीं देंगे। बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के नेतृत्व में गुरुवार को सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों के सामने अपना आक्रोश जाहिर किया। गौरतलब है कि विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के सिलसिले में लोगों से उनकी राय मांगी है। दिग्विजय ने कहा, देश को युद्ध की ओर धकेल रहे हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी सेना और ISI को मजबूत करने का आरोप लगा दिया। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि युद्ध के लिए आतुर मोदी देश को पाकिस्तान से युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। उन्हें अगला चुनाव जीतने के लिए केवल यही विकल्प नजर आ रहा है। बिहार में बार बालाओं के साथ नृत्य करने पर 3 पुलिसकर्मी निलंबित। बिहार पुलिस ने गुरुवार को भोजपुर जिले के एक थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। ऐसा बुधवार को एक वीडियो सामने आने के बाद किया गया है, जिसमें वे बार बालाओं के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना जोनल IG नैयर हुसनैन खान ने बताया कि यह कार्रवाई वीडियो फुटेज की पुष्टि के बाद हुई है। सुरेश रैना न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे। विस्फोटक भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना बुखार के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं। BCCI ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा कि बोर्ड की मेडिकल टीम ने इस बात की पुष्टि की है कि रैना बुखार से उबर रहे हैं, इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में होने वाले पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेल पाएंगे। ये सब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।